सब्सक्राइब कीजिए हमारे बिघट इंडिया चैनल को और घंटी के आइकन को दबाकर सबसे पहले कृषि संबंधी वीडियो को देखें। क्या ये आपको जाना पहचाना लगता है? आइए करीब से देखते हैं। जी हाँ, ये जेमिनी वायरस का लक्षण है। पर सवाल ये है कि ये वायरस आता कहां से है? क्या ये पानी से आता है, या हवा से, या जमीन से, या फिर बीजों से? असल में इनमें से कहीं से भी नहीं। जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस वायरस हमले का मुख्य कारण है सफेद मक्खी। जी हां, ये सच है। आइए जानते हैं ये कैसे होता है। सफेद मक्खी कई अंडे देती है। इन अंडों से निम्फ निकलते हैं जो पत्तियों में से रस चूसते हैं, और ऐसा करते समय उनके शरीर में वायरस आ जाता है। जब यह निम्फ अपना जीवन काल पूरा करते हैं तो वायरस सफेद मक्खी में बदल जाता है। यह सफेद मक्खी वायरस की वाहक बन जाती है, और जब वो दूसरे स्वस्थ पौधों का रस चूसती है तो उन्हें भी वायरस से संक्रमित कर देती है। ये एक चौंकाने वाला सच है कि एक सफेद मक्खी उनके पौधों को जेमिनी वायरस से संक्रमित कर सकती है। सबसे दुखद बात यह है कि ये लक्षण तुरंत नहीं नजर आते, उन्हें तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। जेमिनी वायरस से 20 से 80% फसल बर्बाद हो जाती है। सबसे दुखद बात यह है कि इस प्रक्रिया के शुरू हो जाने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिघट इंडिया चैनल को।